बड़ी प्यारी है, हंसती मुस्कुराती बहुत ही प्यारी हमारी समीना अहमद। आइए बैठिए। माशाल्लाह से क्या प्यारा आज आपने कलर पहना हुआ है, पिस्ता कलर जबरदस्त। और आप ऐसी क्यों नहीं, जरा मॉडर्न कैरेक्टर्स करें जिसमें हमें खुशी हो आज। और आज एक से बेबी बाजी, और आज आप लग रही बेबी सही बेबी लग रही है। और मुझे लग रहा है कि जो मंजर भाई ने जो उनके हस्बैंड, आज वो तस्वीर भी आपकी ऐसी डालेंगी, माई बेबी। कैसे मिजाज आपके, ठीक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। लेटली कैसा रहा, क्योंकि हमने देखा रिस्पॉन्स जो आपके ड्रामे का था, मैंने एक वीडियो देखी उसमें आप एयरपोर्ट से घर जा रही और लोगों ने आपको आवाज़ें देना शुरू की, बेबी बाजी वी लव यू। हाँ, तो बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत, बहुत मोहब्बत लोगों ने दी। एक बार फिर से रिवाइव होगी सब चीज़ें ना, बहुत सारी जो फैमिली का ड्रामा जो है, जिसको बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज में घुस गया है और ये तो कोई नहीं देखता और बहुत इसमें टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो उससे हट के ये था। मैं थे प्रॉब्लम्स बट डेल्ट वेरी नाइसली। एग्जैक्टली, मतलब स्टोरी, वो मैं बात कर रही ना कि स्टोरी ऐसी है जो कि हमने अक्सर सुनी हुई, लेकिन जिस तरीके से कुछ किरदारों ने इसमें ऐसे जान डाल दी ना, वो देखने वाली थी। तो एक और मरकजी किरदार जिन पे प्यार भी आता था गुस्सा भी आता था, कभी तर्स भी आता था और फिर गुस्सा आ जाता था, तो वो थी हमारी बहुत ही प्यारी अज़रा भाभी, AKA जवेरिया साउंड। पहला जो था ना चांदनी रातें, असल में सब जग सोए हम जागे, हम पूरी रात जागते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग शो में आना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भाई आना भी है लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। आज तो ना मुझे जवेरिया को देख के लग रहा था कि अज़रा भाभी बैन तो ये था कि उस मल्ला मियां के पास चले जाएंगे, लेकिन यार ये अमेरिका से ऐसे कोने पे ना बैग लटकाए हुए, अरे बेबी बाजी भी कनाडा घूम के आई है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, ये क्या था इस ड्रामे में कि जैसे खत्म हुआ आप अमेरिका निकली, आप कनाडा निकली। आ गया ना, ये वक्त होता है कि हम अपने बच्चों को जाके मिलें, तो जब रो बच्चे हैं इनकी, बाकी फैमिली मेरा ससुराल है पूरा अमेरिका में, मतलब जिस टाइम में लोग आपको लेके परेशान थे और आपको लेके रो रहे थे, आपको लेके गुस्सा कर रहे थे, आप उस वक्त अमेरिका घूम रही थी, आप कनाडा घूम रही थी। अमेरिका में जो लोग भी मिले सबको कहते हैं, अरे भाई तुम्हें घर से क्या निकाला, तुम तो यहाँ पहुंच गए। अच्छा, मैंने किसी भी ड्रामे में ना यूजुअली हम देखते हैं कि जी हीरो और हीरोइन की जोड़ी हिट होती है, लेकिन आप दोनों के केस में ना सास और बहू की जोड़ी हिट होगी। ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है। मुझे पता चला ना कि समीना आप आए, तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैंने कभी भी समीना आप के साथ काम नहीं किया। हाँ, पहली दफा पहली बार हम दोनों ने किया। और दूसरी बात ये थी ज्यादा खुशी की कि मेरे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि मिस मार्वल इनका इतना ज्यादा हिट हुआ हुआ है कि हमें बच्चे बैठ बैठ के, हमने बच्चों के साथ देखा है पूरा। आपको इस ड्रामे के लिए पहली कॉल आई थी, तो आपको स्टोरी अच्छी लगी थी, आपने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, क्या आपका रिस्पॉन्स था? नहीं, पहले तो वो उन्होंने फ़ोन करके कहा अब्दुल्ला ने कि आपा ये एक ड्रामा है और ये आपने करना है। हाय, मैंने कहा अब्दुल्ला क्या हो गया, मुझे स्क्रिप्ट भेजो फिर बातचीत करते हैं देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं ना, नहीं आपने कहना, ये आपने करना है। मैंने कहा अच्छा तुम बाहर स्क्रिप्ट तो भेजो ना। तो वो दो दिन के बाद स्क्रिप्ट आ गया, फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, एक दो एपिसोड पढ़े, मैं दफ्तर चली गई तो वहाँ वो नवीद बैठा हुआ था, आप ये लें कॉन्ट्रैक्ट, ये साइन कर दें बस, ये आपने करना। मैंने कहा पहले मेरे से मुझे डेट्स भी तो देखो, मैं फारिग हूँ नहीं हूँ, मुझे जाना होगा, एक बीच में मुझे जाना था, जर्मनी जाना था, तो वो कहने का हम मैनेज कर लेंगे, आपने ये करना है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। मैंने कहा फिर भी मुझे कुछ तो समझ नहीं आ रहा क्या करना, मुझे पता तो चले मैं क्या उसमें, ये उनका इसरार था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो कहानी अच्छी थी, अच्छा अच्छी निटिंग की हुई है, अच्छा लिखा हुआ, मगर ये नहीं लगा कि ये कोई बहुत हिट हो जाएगा और लोगों को इतना पसंद आएगा और ये किरदार इतने पसंद आएंगे जो लिखे हुए थे उसमें, मुझे नहीं लगा था। मगर मैं फिर भी अब्दुल्ला को और उसकी टीम को क्रेडिट देती हूँ कि जो उनकी सिलेक्शन थी कास्टिंग की, वो बहुत अच्छी थी। कि अब जवेरिया का मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं आता जिस तरह से इसने ये रोल किया है, मुझे नहीं समझ में आता कि और कोई करेगा तो क्या करेगा, कि नेगेटिव भी है और क्यूट भी, मगर क्यूट भी है। हाँ।
तो उसके अंदर वो जो टॉक्सिक होता है ना वो नहीं है, बट तावीज भी करवा रही है तभी भी ये फनी लग रही है। हाँ सब डर भी दिया लगा गार्ड साइड में जाने नहीं दिया ना। अच्छा वो एक एक ये और ये बहुत कम लोगों में होता है, मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का किरदार करें और उसमें क्यूटनेस भी लाए। कि लोग मतलब लोगों को आप पे गुस्सा भी है लेकिन लोग आपसे नफरत ना करें, आप गुस्सा करें। हाँ, लोगों कमेंट्स लिखे हैं कि आपसे हमें इतनी नफरत है लेकिन आपको देखे बगैर मजा नहीं आता मुझे। हाँ, ना वाकई मतलब वो डेड सीन हो जाता था कि यार मतलब वापस आया ना मजा आया, कोई किसी को बात क्यों नहीं करी, लड़ क्यों नहीं रही, किसी के बाल क्यों नहीं नोच रही। अच्छा जो आपकी लुक्स थी वो जवेरिया आपने अपनी खुद डिसाइड की थी, क्योंकि स्पेसिफिकली जवेरिया का ना एक पर्टिकुलर लाइनर था यूं करके ऐसे करके जबरदस्त, वो जबरदस्ती किया था मैंने। असल में जब लुक्स बन रही थी ना, क्योंकि एक दिन बुलाया था सबकी लुक्स बनाने के लिए, तो उसमें जब मैंने कहा एक्सटेंशंस लगा लूँगी, और क्योंकि वो जो फैमिली थी वो उस टाइप की फैमिली थी नहीं कि इतना मॉडर्न बाल वाल रखती ना, लेकिन मैंने कहा एक्सटेंशंस लगाऊंगी। बहुत सारी मैंने खवातीन को देखा है जो मिडिल क्लास हैं लेकिन बाल खुले रहते हैं उनके, वो बांधती नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हल्के चोटी या जुड़ा बांध गया, लेकिन वो एक स्टाइल में कटे हुए बाल और वो फिर बिल्कुल अलग हो जाता है ना। तो अच्छा जब मेकअप जब मैंने किया तो वो उनकी स्टाइलिस्ट थी, वो एक आई वी थी, उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत डार्क कर लिया है, इसको लाइट करें ये करें। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैंने कहा अभी तो साइंसदान आए हुए साइंसदान चले आएंगे फिर तो हमने अपनी करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इतना लाउड कैरेक्टर है, क्योंकि जो डायरेक्टर तहसीन ने मुझे समझाया था कैरेक्टर के हर चीज़ में लाउड है बस, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो खाना हो, कोई भी चीज़ हो, रोना हो, हंसना हो, हर चीज़ में गुस्से में लाउड औरत है वो, तो हर चीज़ में लाउड है, उसकी पूरी फैमिली लाउड है दिखाया। तो फिर मैंने मतलब मेरी ससुराल नहीं मेरे घर का बताया कि उसकी पूरी फैमिली लाउड है, तो फिर मैंने कहा फिर मेकअप भी लाउड होना चाहिए थोड़ा। तो फिर मैंने इसलिए और लंबा एक दिन छोटा किया, फिर दूसरे दिन और लंबा किया, तीसरे दिन और लंबा किया, फिर वो कैरेक्टर में सब इतना खो गए कि लाइनर किसी को नजर नहीं आया। लेकिन मैं तो बड़ा नोट कर रही थी इतना जबरदस्त लाइनर यूं करके, वो ऑरेंज लिपस्टिक वो सारी चीजें ना वो लोगों को याद रहेगी। समीरा आपने अपना गेटअप खुद डिसाइड किया था, क्योंकि आपका था जी प्लेन, आप बड़े सटल कलर्स में आप वो खेल रही थी। हमने मिलकर डिसाइड किया था कि जब मैंने पढ़ लिया तो फिर मैंने कहा कि मुझे यूं नजर आता है कि ये शोक रंग नहीं पहनेगी, बच्चे बड़े बड़े हैं और इस तरह की औरतें जो होती हैं जो घर घरेलू, तो वो जरा सा ना एज दे ग्रो ओल्डर तो वो जरा हल्के रंग पहनती हैं, उसमें बारीक से कोई एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, तो सोने की चेन चमकती हुई, कान में बालियां जैसे यूजुअली हम घरों में देखते हैं। ये वो कुछ चीजें थी जिनकी वजह से ना लोग फौरन रिलेट कर रहे थे कि देखो यार ये हाँ हम तो ऐसे ही तैयार होते हैं, ये तो हमारे जाके हमारा गेटअप ही सारा ऐसा। अच्छा इस कैरेक्टर के बारे में बच्चों ने क्या कहा मुझे बताया? भाई मैंने असल में जितने ड्रामे किए ना आज तक अपनी लाइफ में सारे रोते घसूटते या फिर कुछ कॉमेडी, जैसे जब पीटीवी के जमाने में किया तो मैंने वो किया था टीपू सुल्तान, उसमें मैं हिंदू लड़की बनी थी, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल प्ले था। उसके बाद अनहोनी किया, वो एक नॉर्मल था, उसमें ना हंसना था ना रोना था, एक चले जा रहा था ट्रैक के ऊपर। फिर वो हाई जेदी किया, वो एक कॉमेडी था। फिर अनवर मकसूद के काफ़ी पीटीवी से मैंने ड्रामास किए, फिर कुछ 14 अगस्त के, और तो फिर जो एक रोने वाले कैरेक्टर मुझे मिलना शुरू हुआ ना, उनकी लाइन लग गई ना, रोती शक्ल थोड़ी वो था ना, कभी खुशी कभी गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, और उस टाइप के अना ड्रामा, तो ये सब रोते हुए थे हर ड्रामे में मैं रो रही हूँ। और पहली बार गैसरी की दुकान खोल ली। हाँ फिर हमने अपना अपना जो प्रोडक्शन शुरू की ये जिंदगी है, उसमें मिक्स था ना सारा, उसमें कॉमेडी, उसका हर सीन ऐसे शुरू होता था कि हंसते हुए शुरू होता था रोते हुए खत्म होता था, क्योंकि लिखती मैं थी, या सीन रोते हुए शुरू होता था हंसते हुए खत्म होता था। फिर जब ये दोबारा ये वाला आया मैंने कहा यार फिर नेगेटिव, मेरी बेटी ने कहा आप कोई नेगेटिव रोल नहीं करेंगी मामा, मैंने कहा हाँ हाँ वो नेगेटिव नहीं है, नहीं क्या बोलती मैं। अच्छा सोच लिया था जब आपको कॉल आई और आपको बताया गया किरदार, तो क्या किरदार बताया गया आपको? भाई आए थे तहसीन और वो आए थे अदील सूरी, तो हमारे घर में असल में शूट चल रही थी, शूट हो रही थी किसी और की ना मतलब ड्रामे की, तो मैं और सऊद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो अदील सूरी और तहसीन दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा ये लो आ गए हमारे जमाल और अजरा। तो हमने कहा पता नहीं क्या जमाल अजरा कह रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ, कह लिए कुछ नहीं कुछ नहीं हम कुछ सोच रहे हैं बताएंगे आपको। फिर दो दिन बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं उसमें आप दोनों को मियां बीवी लेना है हमने।
तो मैंने कहा अच्छा अब जो ड्रामे में तो जब मैंने स्क्रिप्ट जब स्टोरी उन्होंने बताई ना और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा कि सऊद ये इनको कैसे पता चला कि इन्होंने मेरे आदमी के साथ कैसे पहचाना। तो मैंने जब सीन पढ़े मुझे बड़े मजे के लगे, मैंने कहा सऊद तो बहुत मजे का।